और हम बात करें कराची किंग्स के कप्तान और मराठा अरेबियंस के ऑलराउंडर इमाद वसीम से. इमाद, ऑलवेज वंडरफुल हैविंग यू ऑन एआरवाई न्यूज़. तो इमाद, वी हैवंट स्पोकन टू यू सिंस यू बिकेम कराची किंग्स कैप्टन. ऑफ कोर्स वंडरफुल न्यूज़ दैट. और हमने सुना, सुनने में यह आया था कि अगर वीरेंद्र सहवाग मराठा अरेबियंस के कप्तान नहीं बने तो यू वर इन द लाइन अप टू बी द कैप्टन. So, मतलब that's your standing, you know, since you got the number one and then the number two T20 ranking. So, you know, you've arrived, you've caught a buzz of the tournament. How does it feel? यहाँ आके कैसे लगा आपको कि ये T10 tournament कामयाब रहेगा? I think fantastic T10. जिस तरह जैसे T20 आया था और लोगों ने बहुत ज़्यादा criticize किया था कि T20 से effect हो गया है. T20 से effect नहीं हुआ, बल्कि अच्छी हुई cricket. और T10 से T20 50 ओवर्स वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम ICC एंड दिस एमिरेट क्रिकेट बोर्ड. आई थिंक ग्रेट इनिशिएटिव फॉर प्लेयर्स एज फार एज स्पेक्टेटर्स कंसर्न. 90 मिनट्स ब्रिलियंट. Imad, the wonderful thing about your bowling is that, you know, your economy rate, you know, is always an asset and you're a wicket taker. So T10 mein aap kya changes leke aayenge? How will you approach the format? It depends in what kind of a situation you're bowling. I think if you're bowling with a new ball, then it's totally different. If you try to take wickets, then survival mere khayal se bowler ke liye hai. Agar aap runs bachane jayenge to runs nahi bachte is format mein jahan tak jahan main dekh raha hu. So I think if you go on and attack and take wickets, so you can stop the runs. You know, we spoke to Waqar Yunus, coach of Bengal Tigers, and Darren Sammy as well. Dono ye keh rahe the ke it's going to be more difficult for the bowlers. Aur Maratha Arabians ke Parvez Khan, unhone hame ye kaha ke he just expects you to do better than any other player in the tournament. To ye confidence jo hai aap mein, I mean, how do you see this? That's kind of him. I think, yeah, it's a batsman's tournament, but बॉलर पे किस लिए आए हैं अगर बैट्समैन का टूर्नामेंट है. आई थिंक यू गॉट टू गिव इट अ गो और यू गॉट टू कम अप विद अ डिफरेंट स्ट्रेटजी एज अ बॉलर. एंड आई थिंक टेकिंग विकेट्स इज द ओनली थिंग इन हियर. सो आई थिंक व्हाट आई विल डू, व्हाट आई ट्राई टू डू, आई विल ट्राई टू टेक विकेट्स, आई ट्राई टू अटैक. एंड इफ आई सक्सीड देन फेयर इनफ, बट इफ नॉट देन स्टिल आई वॉन्ट टू डू दैट डिफरेंटली बिकॉज आई वॉन्ट टू अटैक, आई डोंट वॉन्ट टू डिफेंड. सो आई विल कीप ऑन अटैकिंग एंड लेट्स सी हाउ इट गोज. Imad, एक बात याद आई. I think in Champions Trophy the TV screens were showing you, and I think आपके पीछे आप फीलिंग कर रहे थे, आपके पीछे कुछ इंडियन फैंस थे जो आपको तंग कर रहे थे. सो ऑफकोर्स यू रिएक्टेड और आपने कहा गो ऑन यू नो कैरी ऑन. तो यहाँ पे यू नो योर टीम हैज़ मिक्सड इंडियन एंड पाकिस्तानी ओनर्स, विच इज़ वंडरफुल, द वंडरफुल थिंग अबाउट दिस टूर्नामेंट. और यहाँ आप सारे नेशनलिटीज के फैंस आपके पीछे होंगे, स्पेशली इट्स मराठा अरेबियंस, ऑल ऑफ मुंबई फैंस. तो अब आप इन फैंस को क्या कहेंगे? I'll say go and cheer for me. नहीं देखें, जो जो क्राउड के साथ है वो तो एक मस्ती माहौल होता है, क्योंकि हमारी सारी जो फोकस होता है, हमारा सारा जो अंदर सारा वो होता है वो ग्राउंड के अंदर, तो ग्राउंड के बाहर हम नहीं देखते. वैसे ही फ़न के लिए स्विच ऑफ जब होते हैं तब ऐसी शुगर लगा लिए, वो एक अलग चीज़ है. लेकिन आई थिंक इंडियंस दे आर गुड पीपल, आई मेट देम, दे आर वेरी नाइस पीपल. सो आई होप दैट इंडियन पीपल विल ऑल्सो सपोर्ट अस एंड वी विल ट्राई नॉट टू डिसअपॉइंट देम. और हमेशा आपके बारे में आपके टीम में यही कहते कि मिकी आतक के लाडला. सलमान भाई ने भी आपके बारे में यही कहा था. मराठा अरेबियंस के परवेज खान आपके बारे में भी यही कह रहे. तो आप जरा बता दें, यू नो व्हाट चार्म इज दिस दैट यू टर्न ऑन ऑल द कोचेस एंड टीम ओनर्स, योर टीममेट्स, दैट यू नो यू आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेयर्स? आई डोंट नो, मे बी आई गिव इट ऑल इन द ग्राउंड और आई ट्राई टू विन. आई डोंट लाइक लूजिंग, बिट लाइक Sarfaraz, because we play together. So I don't like losing. I just hate losing. I know it's a part of game, but whenever I go in, I want to win a game. So I think it's an attitude which people think that I'm a ladla. और इमाद, ऑफ कोर्स लास्ट फ्यू इयर्स कराची किंग्स के लिए पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज में भी आप शारजाह में बहुत खेले. सो हाउ डू यू सी द पिच? यू नो इट्स ऑलवेज वेरी कंपेटिटिव, वी सेड इट टू द अदर प्लेयर्स, इट ऑलवेज गोज डाउन टू द लास्ट बॉल. लेकिन सुबह हम बंगाल टाइगर्स के साथ थे, द कंडीशंस वर क्वाइट विंडी. शारजाह इज अ लिटिल बिट ऑफ अ डिस्टेंस अवे, लेकिन आई एम श्योर यू हैव नोटिस्ड ऑलरेडी द वेदर इज कोल्डर. या इट माइट स्विंग शारजाह में, लेकिन जितना मैं जानता हूँ समटाइम्स
the wicket is like flat, but sometimes हमारे जैसे बॉलर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है कि थोड़ा सा लो रहता है, कभी ऐसा हो जाता है, कुछ मैचेस होंगे उसके बाद अगर लो रहे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा. सो आई थिंक शुरू में तो अभी क्योंकि मुझे नहीं पता, अभी विकेट मैंने देखनी, लेकिन आई थिंक फ्लैट विकेट होंगे और जिस तरह मुझे पता है बाउंड्रीज भी थोड़ी छोटी हैं तो मज़ा आएगा जी, छक्के चौके लगेंगे और क्राउड इन्जॉय करेगा, लेकिन अगर आप विकेट भी लें तो वो भी क्राउड इन्जॉय करेगा. तो आई थिंक इट्स गोना बी अ फन टूर्नामेंट. And finally, of course, you know, it's not correct to compare players from two different cricketing generations. Lekin, you'll have Shahid Afridi in the tournament and Waseem Akram, your coach, you know, from the previous generation. So with Waseem working there, you know, people have always compared you to these two because they're all-rounders. Of course, you're a different player, but with Waseem there, how do you see that? Aap unke advice lenge? Aap, you know, bahut excited hai Waseem ke saath kaam karne ke liye? Obviously, koi bhi aisa cricketer nahi hoga jo Waseem bhai ke saath kaam karne pe excited na ho. Very excited. This is my first time. Waseem bhai aur meri hello hai, hai baatcheet hai, lekin we never worked together. So I think jab wo commentary kar rahe the, kabhi advice dete the, ground mein dete the. So I think wo bahut faydemand thi aur jis tarah ye yahan pe main unse sirf T10 ke nahi balki aage bhi jo T20 one day jo bhi cricket main khel raha hu uski bhi advice lunga. I think wo mere liye bahut helpful hogi. Legend of the game, nothing better than that. Thank you so much.